सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर ने कहा कि मैं टेलीफोनिकली सबको मैनेज कर रहा हूं, आप तुरंत एक फॉर्मल लेटर भी भेज दीजिए। इस बीच में सर जैसे ही ये जानकारी प्राप्त होती है कि 60 फीट का गहरा बोर है और उस बोर में मैंने ईपीएचई से पूछा सर, ये बात मैंने उस समय शेयर नहीं किया, उनका गांव भी वही है सर, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे हार्ड रॉक प्रोफाइल है और पानी नहीं मिलता उस लेवल तक और आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उस समय सर मैं सोच नहीं सकता किस तरह के भाव आए, क्योंकि एक तरफ टीम को डिप्लॉय भी करना था, दूसरी तरफ बच्चे को बचाना भी था, तीसरी तरफ कठिनाइयां जो थी विकराल प्रारंभ ही लग रही थी सर। मैंने फिर नाइट होने वाला था तो मैंने सोचा कि लाइट्स या बाकी ऑपरेशंस में दिक्कत ना हो, इसलिए तुरंत मैंने ईएनडीएम विंग को कहा कि वहाँ पर लाइट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट इमीडिएटली किया जाए। स्पॉट पे जब हम पहुंचे सर तो स्थानीय जो शक्ति के हमारे प्रशासन के अधिकारी थे उन लोगों ने जो छोटी मशीन है वो वहां तक पहुंचा दी थी और लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे। इस बीच जो पुलिस विभाग के एसडीओपी खोटिया हैं और स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने सर गांव पे ही एक कैमरे वाले के पास में कैमरा था उसको अरेंज करके नीचे डाल दिया। मेडिकल टीम ने सर वहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी सर। जब हम पहुंचे सर रात्रि का वक्त हो गया था, जब वहाँ बच्चे को देखे तो बच्चा सर कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था, तो ये बात हमारे समझ के बाहर हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तब ये बात पता चली सर कि बच्चा बोरवेल में जहाँ पे है वहाँ पे एक छोटा सा अलग से केव यानी गुफा जैसे बना हुआ है, उसी गुफे में बच्चा कभी अंदर जाता कभी बाहर आता। इसी बीच सर एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई और हम लोगों ने कोशिश किया कि जो अपने सामान्य उपाय होते हैं, एनडीआरएफ जिस चीज़ के लिए ट्रेंड थी कि रस्सा डाल के और कुछ सिस्टम डेवलप करके बच्चे को कैसे बाहर निकालने, इस बात की कोशिशें जारी हो गई। तब एक जो तथ्य एक जो सच हमारे सामने आया सर कि बच्चा सुनने में कमज़ोर है, बोलने में दिक्कत है और मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है, दिव्यांग है। इन बातों ने सर जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी थी उसको कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि बच्चे को रस्सी से हम सुविधाजनक रूप से खींचने की कोशिश करते वो रस्सी को देख करके अपने आप को अंदर खींच लेता था सर। तो ये उपाय हमको समझ नहीं आया था कि कैसा करें क्या करें, पर हमने ये तय किया सर कि उसी समय स्ट्रेटजिकली ये डिसाइड किया कि ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी, और ये तय कर लिया कि सारे ऑप्शंस को हम एक साथ कोशिश करते रहेंगे जब तक कि राहुल को हम बाहर ना ले आए। इसी कोशिश में सर फिर हम लोगों ने साइट पे जो डिगिंग का ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया। हमने ये सावधानी बरती कि कहीं कोलेप्सिबल सॉइल या स्ट्राटा आ जाएगा और वो वहाँ गिर गया, क्योंकि उसमें केसिंग नहीं था सर, यदि वो गिर जाता तो बच्चे को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता, ये सबसे बड़ी कठिनाई थी सर। और दूसरा उसके अंदर में पानी था सर, पानी का लेवल भले ही कम था बट यदि पानी में मलबा गिरता तो पानी का लेवल ऊंचा हो जाता सर और उसको खाली करने में दिक्कत जाती और बच्चा ट्रैप हो जाता। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर विद्यमान परिस्थितियाँ ऐसी हो रही थी कि जो तमाम चीज़ों को कठिन से कठिन बना रही थी। हमारी टीम ने सर नेट पर भी इस चीज़ को देखना चालू किया कि जहाँ जहाँ ऑपरेशन हुए थे वहाँ क्या क्या था। मैंने सर कमांडर साहब से बात किया सर कि क्या हो सकता है, आर्मी की टीम सर वहाँ तैनात थी हरियाणा पे राजस्थान पे, तो इन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा सर कि जितेंद्र वहाँ का जो प्रोफाइल है और आपके यहाँ का प्रोफाइल बिल्कुल अलग अलग है, आप ये मान करके चलिए कि राजस्थान